हमारा प्लान ये था 23 तारीख को है, 23 तारीख को जब हमारे मेरे से किए टीमा जी ने दो जगह दो जगह रखा दिया एक माथुर के पास और दूसरा वो गली में। हमारा प्लान ये था कि जो है 26 तारीख को करने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी इसमें जैसे जो गन चलाएगा उसमें पहले से कितनी देर में रोकने की कोशिश करेंगे, जो गन चलाएगा फिर वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पर शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर अब भी नहीं रुकेंगे गुप्तों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधाना के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे, उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है, ठीक है। इसमें प्लान जो 26 तारीख को रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख होगी उसमें से आधे लोग घर के होंगे तो पुलिस के वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने। और जो 24 तारीख से है चार लोगों को उनको शूट करने का वो है, चार लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें शिक्षक है वो प्रदीप सिंह है, कई खाने का कौन है भाई, कौन है प्रदीप प्रदीप है प्रदीप सिंह है, वो कभी हमसे खाने का जब भी हमसे मिलने आता है वो चालीस किसान जथेबंदियां ने जीते सी, 32 किसान जथेबंदियां ने भाई बोलते गया 32 चो और 32 में से चार आदमी हैं जिनका नाम इसने बताया है। कौन कौन? और वो जो देखिए वो चार की बात नहीं है, ये सरकार की जो साजिश है उसका पर्दाफाश है, वो पर्दाफाश किया गया दोनों की बात, केवल कमजोरों की बात है, इसलिए तो किसी का नाम नहीं लेंगे, वो किसी में भैरव डालना है, लेकिन चार आदमियों का नाम इसने बताया है। जाट आरक्षण में भी इस तरह के काम करे हैं पहले रई में, चार लोगों की बात नहीं है, चार लोगों की बात है, आंदोलन में जैसे करना है ये बात है, ठीक है। जो बोलता है वो सुन लो, ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसी काम नहीं किया होगा ना, गरीब हमने पैसों के लिए काम किया था, हमारे बीच में से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए, जो 26 तारीख को पवित्र करने हैं, जो 50 से 60 आदमी है, 50 से 60 आदमी। मैं देश के ऑर्डर पर जाऊँगा क्या हमारी पब्लिक तक ना पहुँच पाए। कितने पैसे की डील हुई थी? कितने पैसे की डील हुई थी? 10,000
एक मिनट काइंडली सारी गल पूरी कर लेंगे पूरी कर जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? कौन देता है? कौन देता है? कोई नहीं सर। आपने ऑर्डर की बात की थी, आपको ऑर्डर कौन देता है? ये आपको पैसे किसने दिए? ज्यादा बोलो ना, पैसे मिले होंगे ना? आपका काम कितना था? मेरा काम सिर्फ इतना था कि हम लोगों के पास देखना क्या आपने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन दे दी? राम से स्वागत। राम लाला एक काम हुआ भाई, अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी से? आपके साथ आप जुड़े हुए टोटल कितने लोग हैं? हाँ, कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? 10 लोग हैं वो सारे गेंग? सारे लड़के हैं कि लड़कियां भी हैं आपके गैंग में? एक 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 कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? और 10 लोगों की कितनी टीमें हैं? लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने? लड़कियां दो हैं। कहाँ पे रहने वाले हैं? उनकी क्या पहचान क्या है? पहचान पहचान जैसा आपने उनकी बताया। लड़की का नाम क्या है? नाम नाम बताओ नाम। पूजा सुनीता। पूजा सुनीता। बताओ आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था या फिर किसी और जरिए से? लैंडलाइन पे। आपने आपके लैंडलाइन कहाँ पे यूज करते थे? मोबाइल पे। हाँ, क्या किस तरह के आदेश आते थे? नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का? लैंडलाइन का भी कोड तो होता है ना? दिल्ली का है ना? कोड का आदेश का नंबर बता सकते हो? हरियाणा और पांच स्टेट का।